आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद और बीज सुगमता से प्राप्त हो इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को दिए हैं, जिसके तहत कृषि विभाग की टीमों ने जिले में कई जगह निरीक्षण किया और कार्यवाही भी की। कृषि निरीक्षक रमेश भदौरिया की टीम ने बरंदा कृषि सेवा केंद्र फूप, माँ करौली कृषि सेवा केंद्र फूप और चौधरी बीज एजेंसी फूप निरीक्षण किया, जिसमें चौधरी बीज एजेंसी पर लाइसेंस नहीं पाया गया और श्री राम कंपनी की डुप्लीकेट पैकिंग में 5 बैग पाए गए और अन्य कंपनियों के नाम से भी केंद्र पर बीज भंडारित पाया गया, जिसे सील कर पंचनामा बनाया गया और दुकान संचालक पर FIR करने के निर्देश भी दिए हैं। उप संचालक कृषि ने सभी कृषि निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी निजी प्रतिष्ठानों और सहकारी समितियों के गोदामों का निरीक्षण कर अवैध भंडारण पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी की लापरवाही या किसानों के साथ धोखाधड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक राम सुजान शर्मा ने किसानों से अपील की है कि धैर्य रखें, कलेक्टर महोदय किसानों के लिए मिश्रित उर्वरक व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्द DAP की रैक प्रस्तावित है। किसानों को जो समितियों में पंजीकृत नहीं है उनको शासकीय नगद विक्रय केंद्रों से रकबे के आधार पर उर्वरक प्रदाय किया जाएगा। सर, आज फूप कस्बे में खाद को लेकर कार्रवाई की गई है, सर क्या कार्रवाई है इसमें? मनीष जी, क्या है कि कलेक्टर साहब ने अभी देखा होगा कि फर्टिलाइजर की लंबी लंबी किसान बुलाने के लिए, तो कृषि विभाग को और सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रतिष्ठान है इसमें सहकारी समितियां हैं जो 168 हैं और मार्कफेड के गोदाम है और निजी विक्रेता है, तो POS से जो रैक पॉइंट से आता है उसकी पूरी जानकारी स्वयं कलेक्टर साहब ने समीक्षा की उसकी। उसमें जिसके पास स्टॉक रखा था उनको व्यक्तिगत फोन भी लगाया और उनके गोदाम को निरीक्षण करने के उस संचालक कृषि को निर्देश दिए। इसी के प्रपालन में समिति फूब में DAP का स्टॉक दिखाई दे रहा था, उसका निरीक्षण किया तो भौतिक रूप से वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो टेक्निकली एक क्या गलती थी कि DAP का यहाँ से ID काटी है, उसे भौतिक रूप से NPK दिया गया, तो उस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए और DMO से भी इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहे। साथ ही निजी विक्रेताओं का उर्वरक जो अपने कृषि विभाग के निरीक्षक है उनको पूरे दल के साथ वहाँ भेजा और निरीक्षण किया, जिसमें माँ करौली खाद बीज भंडार, वृंदा कृषि सेवा केंद्र और कुछ दुकानें बंद पाई गई, इनको भी चस्पा के नोटिस किया है, जिसमें से चौधरी बीज एजेंसी है उस पर पाया गया कि उसका लाइसेंस निलंबित था पहले से ही और बीज उसके पास लगभग 10 से 12 वैरायटी के बीज पाए गए गोदाम में, उसको सील किया गया, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। एक श्रीराम DCM कंपनी है जिसकी बीज की किसानों के ऊपर में ज्यादा लोकप्रियता है, 303 वैरायटी, तो उसका भी जय श्री राम बीज के नाम से 303 की वो थी, वो प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा था कि नकली है, मिस ब्रांडिंग का है, तो उसको भी जब्त किया गया, पूरे दुकान को सील करने के बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से आगे भी सारी निरीक्षकों ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान पर किसानों को सुगमता से निर्धारित दर पर बीज भी मिले, खाद भी उपलब्ध हो सके और अगर किसी प्रकार की अवैध भंडारण की अधिक प्राइस की कोई भी शिकायत आती है, किसानों से भी अपील की है कि किसी प्रकार की अगर अधिक निर्धारित दर से खाद कोई देता है और बिना रसीद के देता है, आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, जानकारी उपलब्ध कराएं, तत्काल उस पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी DAP में सर उपलब्ध नहीं है सर जिले में। DAP एक माध्यम नहीं है, मिश्रित खाद है, उसके लिए जगह NPK है, SSP है, इसके लिए लगातार हम प्रचार कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया पे कलेक्टर महोदय के जो सोशल मीडिया का हैंडलर है उससे भी हम प्राइस और स्टॉक को शेयर करते हैं। DAP की जगह पर NPK जो गेहूं अपनी मुख्य फसल है उसके लिए मुझे लग रहा है कि 80% से ज्यादा किसानों की रकबे के हिसाब से पूर्ति की जा चुकी है शासन के स्तर से। DAP कम है, NPK है और आगे एक प्रस्तावित रैक है जो शनिवार तक पहुंच जाएगी, उसकी भी हम निर्धारित दर पर और अपने जो केंद्र बढ़ाए हैं उससे सुगमतापूर्वक उनको उपलब्ध करवाएंगे। DAP की कमी है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन NPK अपने पास है वो मिल रहा है, आगे भी प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं।